all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने जैसे हमारा चैप्टर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, राइट, हमने इसमें पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा. टाइप ऑफ पार्टनर में हमने एक क्या है, माइनर के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले लेक्चर में भी हमने, मतलब थोड़े दिन पहले भी एक लेक्चर में हमने माइनर के बारे में ही कंसल्ट किया था, राइट. मैंने माइनर के बारे में थोड़ा सा बहुत बताया था. ठीक है, आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि माइनर की पोजीशन क्या रहती है, क्या उसकी राइट्स होंगे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये आपका चैप्टर रहेगा, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, माइनर एज अ पार्टनर. हाँ जी, माइनर पहले, तो सबसे पहले होता कौन है, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी चलो रिपीट कर देते हैं. माइनर एक वो पर्सन होता है जिसकी एज क्या है, 18 साल तक ही है, मतलब अभी उसने 18 साल का नहीं हुआ है. ठीक है, उसकी एज 18 साल से कम है तो वो क्या होता है, माइनर होता है. ठीक है, यानी कि उसकी एज क्या है, 18 साल से कम है, लेस देन 18 ईयर. ठीक है, अब बात ये आती है कि पार्टनरशिप फर्म में माइनर के बारे में क्या कहा गया है. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उनके जो भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट लगा लो. ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है, जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, जो बनाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो पार्टनर कैसे बनेगा, राइट. तो इसका मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तो कहता है कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो पार्टनर भी नहीं बन सकता. लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ठीक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको पार्टनर बना सकते हैं. लेकिन आप उसको कौन सा पार्टनर बनाएंगे, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. ठीक है, किस टाइप का पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. हाँ जी, आपको समझ आया होगा, एक माइनर वो पर्सन होता है जिसने अभी 18 साल की एज अटेन नहीं की है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक्ट जो है हमारा ये कहता है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता, यानी कि वो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने उसको परमिशन दी है कि ठीक है आप पार्टनर बन सकते हो, लेकिन आप नॉट फुल फ्लेज पार्टनर रहोगे. इसका मतलब क्या है, वो तो क्या है, अब एक पार्टनर बन सकता है लेकिन सभी वो राइट्स उसको नहीं मिल पाएंगे जो कि क्या है, एक फुल फ्लेज पार्टनर को मिलते हैं. ठीक है, अब माइनर कैन बी एडमिटेड, इसका मतलब क्या है, माइनर को अब क्या है, हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेगा, और वो पार्टनर तभी बनेगा जब बाकी सब पार्टनर क्या है, इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे कि ये पार्टनर बन सकता है. राइट, आपको समझ आया होगा कि वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा. दूसरा, जब क्या है, सभी पार्टनर, सपोज करो एक फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, तो 10 पार्टनर्स के 10 के 10 पार्टनर्स जब राजी हो जाएंगे कि हाँ ये ठीक है कि हमारी फर्म में ही पार्टनर बन सकता है, तभी क्या वो क्या बनेगा, पार्टनर बनेगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोजीशन क्या रहेगी पार्टनर की, यानी कि फर्म में उसकी पोजीशन क्या रहेगी, उसकी राइट्स क्या रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी. ठीक है, सबसे पहला है राइट, उसका सबसे पहला राइट क्या बनेगा कि जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, क्या है, सिर्फ प्रॉफिट में उसका हिस्सा रहेगा. ठीक है, फर्म की जितनी असेट्स होगी, सपोज करो अगर फर्म बिक रही है, सेल हो रही है, ठीक है, तो फर्म की असेट्स में भी उसका हिस्सा रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो जस्ट क्या है, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा. सेकंड, उसका राइट क्या है, जब वो चाहे जो फर्म है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो भी हैं उस फर्म ने मेंटेन किए हुए हैं वो देख सकता है, क्योंकि उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं. लेकिन कोई ऐसी बुक, यानी कि कोई ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें फर्म के सीक्रेट लिखे हुए हैं और बाकी पार्टनर्स को लगता है कि ये हमारे लिए सीक्रेट है और हम नहीं चाहते कि वो माइनर पढ़े, तो क्या है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि उस बुक को इंस्पेक्ट करे. आई जस्ट होप जो कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके पास राइट है कि वो उनको चेक कर सकता है, और चेक कर सकता है कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही. लेकिन अगर कोई ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें क्या है, उस फर्म के रिगार्डिंग जितने कोई भी सीक्रेट लिखा हो, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उस बुक को इंस्पेक्ट करे. ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड राइट क्या है कि वो सूट नहीं कर सकता. सूट का मतलब क्या है, यहाँ पर केस नहीं कर सकता. ठीक है, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में है तब तक वो किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस नहीं करेगा. लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसको उसका शेयर है जो प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट उसके कम दिए गए हैं या प्रॉफिट कम दिया गया है उसे, तो उस केस में क्या है, वो
केस कर सकता है। समझ आया? जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में है, पार्टनर है, ठीक है, तब तक वो केस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब वो छोड़ के जा रहा है और उसे लग रहा है उसके साथ कोई धोखा हो रहा है, तब वो क्या है, सू कर सकता है या फिर केस कर सकता है। क्या क्या राइट है उसके पास? प्रॉफिट में हिस्सा लेने का। सेकंड क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का, लेकिन ऐसा कोई राइट नहीं है जिसमें वो सीक्रेट बुक क्या है चेक कर सके, ठीक है। थर्ड राइट क्या है, वो सू कर सकता है लेकिन, केस कर सकता है लेकिन क्या है, जब वो फर्म को छोड़कर जाने का डिसीजन ले चुका हो, ठीक है। ये तो थे उसके राइट्स, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी कुछ, ठीक है। माइनर जब पार्टनर बनेगा तो कुछ वो कैपिटल लाएगा, ठीक है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस कैपिटल तक ही रहेगी जो उसने शुरू में डिसाइड की है कि मैं इतनी लेकर आऊँगा, ठीक है। ओनली टू एक्सटेंड ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल। सपोज करो एक माइनर है, वो एक फर्म में, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, माइनर क्या है, पार्टनर बनना चाहता है, उसने कहा कि मेरे पास 100,000 रुपये हैं, मैं आपकी फर्म में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी दो फर्म में ऑलरेडी पार्टनर थे, उन्होंने 2-2 लाख रुपये लगा रखे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाकी दो पार्टनर्स ने 2-2 लाख और इस माइनर ने कितने लगाए, 100,000 रुपये। फर्म ने क्या किया, लोन लिया 10 लाख का बैंक से, ठीक है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख, उन्होंने पे कर दिया उस लोन को, अब बच गया 8 लाख रुपये। अब इनके पास कुछ नहीं है कि वो इस मतलब इस लोन को चुका सकें, ठीक है। तो ये दो पार्टनर कहते हैं कि ला भाई अब हमें इस जो ये 8 लाख रुपये बचे हैं इसको पे करना है, तुम हमें पैसे दो। तो ये कहता है ये लो 1 लाख रुपये जो मैंने तुम्हें कहा था। अगर इसने उससे पहले भी कुछ पे कर रखा है तो वो ठीक है, नहीं पे कर रखा तो वो ये कहता है कि सिर्फ मैं तो 1 लाख के लिए ही लाइबल हूँ जो मैंने शुरू में कहा था, अब बाकी 7 लाख रुपये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यानी कि मैं तो सिर्फ कितने के लिए लाइबल हूँ, 1 लाख के लिए। इसका मतलब क्या है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो इसकी कैपिटल तक ही रहेगी जो इसने स्टार्टिंग में बोल दी है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी इन्वेस्टेड कैपिटल के लिए। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि उसकी राइट्स क्या थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए कोई पार्टनर है, ठीक है, माइनर है, कब तक माइनर रहेगा, कभी ना कभी तो मेजर होगा ही, ठीक है। सपोज करो कोई पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, वो क्या है अब बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी कि 18 साल से उसकी ऊपर एज हो गई है, ठीक है। अब वो क्या बन गया, मेजर बन गया, यानी कि उसकी अब एज कितनी, 18 से ऊपर हो गई है। अब उसको क्या है, पार्टनरशिप फर्म दो ऑप्शन देती है, या तो तुम पार्टनर एज अ पार्टनर यहाँ पे रहो, या फिर क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ो, ठीक है। फर्म ने दो ऑप्शन दिए, ठीक है। अगर अब तुम कंटिन्यू करोगे, क्योंकि अब तुम मेजर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो अब क्या है, आप फुल फ्लेज पार्टनर माने जाओगे, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पार्टनर माना जाएगा, ठीक है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर फुल फ्लेज पार्टनरशिप की तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो बता दो, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो बता दो, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बाकी पार्टनर जैसी होगी। और उसको कब तक बताना है कि वो पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा, 6 मंथ तक। यानी कि जैसे ही वो 18 साल का होता है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसे बता देना है कि क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब उसने मान लो ये ऑप्शन लिया कि ठीक है मैं अब आपकी फर्म में एज अ पार्टनर रहना चाहता हूँ, तो अब उसके क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। सबसे पहली राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो अब पहले सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा था, अब प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब वो क्या शेयर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले सिर्फ क्या कर रहा था, प्रॉफिट, ठीक है। अब पहले वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ कितने रुपये दूंगा, 1 लाख रुपये दूंगा। अब अगर उसको आगे कुछ लॉस होता है फर्म को, तो उसमें इसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है, उसको अपने घर से भी क्या लेकर आना पड़ेगा, पैसा लेकर आना पड़ेगा इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म उसको पे ना कर पाए। समझ आ गया? पहले तो वो क्या है, उसकी शेयर तक ही लायबल था जो उसने स्टार्टिंग में क्या रखा था, अब क्या है, वो फुली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और वो अब हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो फर्म के पार्टनर्स या खुद वो करेगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि वो अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेगा, इक्वल शेयर करेगा जैसे उन्होंने डिसाइड कर रखा था, ठीक है। अब उसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो सिर्फ 1 लाख तक ही नहीं रहेगी, ठीक है, अब वो उससे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो क्या है, फर्म के सारे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि फर्म अगर किसी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो उसके लिए भी वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। अगर अब ये तो था ऑप्शन जब उसने कहा कि मैं पार्टनर रहूँगा, अगर सपोज करो उसने कहा है कि मैं पार्टनर नहीं रहूँगा, तो उसने उसको क्या है, ये नोटिस 6 महीने के अंदर अंदर लोगों को देना होगा कि मैं अब इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, देखिए राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वो क्या है, एज अ माइनर अभी जब तक क्या नोटिस नहीं देता तब तक क्या है वो पार्टनर रहेगा। इसका मतलब क्या है, उसने कहा था ना कि मैं 1 लाख की लाइबिलिटी है मेरी, ठीक है, तो 1 लाख तक वो अभी तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा जब तक क्या है वो पब्लिक को नोटिस नहीं दे देता कि मैं पार्टनर नहीं, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तब तक रहेगी, वो भी वही वाली माइनर वाली, जब तक क्या है वो नोटिस नहीं दे देता, ठीक है। ये कहता है वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा जब, जैसे कि अगर सपोज करो उसने नोटिस दे दिया, ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो नोटिस देने के बाद अब वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके नोटिस देने के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म कोई और कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी पर्सन के साथ तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई फर्म उसके साथ, मतलब वो फर्म जिसमें वो पार्टनर है, ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट नहीं दे रही है, उसका शेयर नहीं दे रही है, उसकी कैपिटल उसको पे नहीं कर रही है वापस, तो क्या है वो सू भी कर सकता है, यानी कि केस भी कर सकता है। आई जस्ट होप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है कि एक माइनर होता है वो सिर्फ क्या है प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या है उस उतनी ही लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जितनी क्या है उसने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, ठीक है। जब क्या है वो 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो बिजनेस को कैरी ऑन करें मतलब पार्टनर रहे, या फिर क्या उसको बंद करें, उसको ये नोटिस क्या 6 महीने के अंदर अंदर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो अब वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करेगा। अब उसकी जो कैपिटल पहले लिमिटेड थी अब क्या है अनलिमिटेड हो जाएगी, और वो फर्म के हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो जब तक क्या है वो नोटिस नहीं दे देता, ठीक है, तब तक क्या है उसको एज अ माइनर पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही रहेंगी जैसे क्या है माइनर की होती हैं, ठीक है। जब उसने एक बार अपना नोटिस दे दिया कि मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता तो क्या है वो अब किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। वो सू भी कर सकता है किसी पार्टनर के अगेंस्ट अगर क्या है उसको लग रहा है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, आज हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। आप एक बार इसमें से देखकर भी इसकी रीडिंग ले लीजिएगा जिससे क्या है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।